इंग्लैंड के बर्मिंघम में आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत हो रही है। आज बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु होंगी और उनके साथ मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। हालांकि इन खेलों की शुरुआत से पहले ही नीरज चोपड़ा का बाहर होना हर भारतीय को दुखी कर रहा है। करोड़ों दिलों की उम्मीदें लिए करोड़ों दुआओं के साथ आज से भारतीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अपना जलवा दिखाएंगे। आज होने वाले उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम की अगुवाई पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह करेंगे। भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां भारत ने दूसरे नंबर पर फिनिश किया था। इस बार भी उम्मीदें कुछ ऐसी ही हैं कि ऐसा प्रदर्शन आएगा टोक्यो की तरह, हमने देखा था जहां पर 7 मेडल जीते थे और वो प्रदर्शन किया था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उम्मीदें इस बार इस कंटिंजेंट से भी ऐसे है कि ऐसा ही कुछ प्रदर्शन किया जाएगा और एक बार फिर यहां पर हम कहेंगे बर्मिंघम की इस धरती पर तिरंगा शान से लहराया जाएगा। और इस बार भी भारतीय खिलाड़ी मेडल पाने के लिए रिंग से लेकर मैदान तक जमकर पसीना बहा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। आपको बता दें पूरे बर्मिंघम शहर में गेम्स के दौरान इस तरीके के कई फेस्टिवल साइट्स बनाए गए हैं जहां पर कई तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन हर रोज किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर इन गेम्स को लेकर जो जोश है, जो जज्बा है वो बना रहे। और क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है, बड़ा इवेंट है जहाँ पर 72 देश हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों को लेकर बर्मिंघम में खास तैयारियां जारी हैं। शहर में कई ऐसे मंच बनाए गए हैं जहां लोग अपने देश और अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते दिखाई दिए। हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा ने यहां मौजूद भारतीय दल से भी बात की जो यहां भारतीय खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। यहाँ पे बहुत सारे क्योंकि एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया पाकिस्तान मैच और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए एशियन कम्युनिटी ने ही खरीदा है टिकटें। तो आपको ऐसा लगता है दैट इंडिया विल हैव अ लार्ज सपोर्ट एट द एडवास्टन स्टेडियम और उससे आपको फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल, वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं तो सारे इंडियन फैंस होते हैं हमारे साथ, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हमको, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट को, तो सो बहुत मज़ा आएगा। स्नेहल पहले वेलकम बैक टू यू। एक ही खुशी थी कि जब से रमेश तंवर टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम के वैल्यूज और ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे काफ़ी काम हो रहा है, तो आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने क्या आइडेंटिफाई किया है कि ये चीज़ हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है या ये चीज़ हमारी टीम के वैल्यूज है? हाँ बिल्कुल, सी एज अ क्रिकेटर हम एवरी डे इम्प्रूव करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है, स्पेशली मुझे एज अ बॉलिंग कोच, और मैं बहुत ही इम्प्रूव हुई हूँ और मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। वैसे तो करोड़ों हिंदुस्तानियों को खिलाड़ियों से मेडल की पूरी उम्मीद है, लेकिन इस बार के खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर भी सभी की नज़रें होंगी। बाईसवें कॉमनवेल्थ गेम्स जिसकी मेजबानी इस बार इंग्लैंड का ये बर्मिंघम शहर कर रहा है, वैसे तो इसमें जो है 19 खेल है जिसमें हिस्सा ले रहे हैं कई खिलाड़ी, लेकिन एक खेल जो इस बार इसकी सुर्खियां बना हुआ है वो है क्रिकेट। जी हाँ, पहली बार महिला क्रिकेट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बना है और वो सारे मैचेस हमारे पीछे ये एक वेन्यू है, यानी वो एडवेस्टन ग्राउंड जो कि ऐतिहासिक एडवेस्टन ग्राउंड है या बर्मिंघम का, जिसने कई सारे ऐतिहासिक क्रिकेट मैच देखे हैं, अब वो गवाह बनने जा रहा है एक
और ऐसे ही ऐतिहासिक मौके का, जबकि क्रिकेट के मैचेस जो है मल्टीनेशन टूर्नामेंट यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार होने जा रहे हैं। आपको बता दें भारत जो है, भारत का इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, फिर पाकिस्तान से है, दो ग्रुप्स में है, 8 टीमें बांटी गई हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक मेडल ज़रूर महिला क्रिकेट टीम यहाँ से जीतेगी। वर्ल्ड नंबर 4 है महिला क्रिकेट टीम, उम्मीदें उनसे बड़ी है। और आपको तैयारी की बात क्या कहें, तैयारी ये है कि इस मैच के लिए भारत पाकिस्तान और भारत ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स सारे बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स की बुकिंग से सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकी, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है आपको कि क्या क्रिकेट का क्रेज़ है और क्यों क्रिकेट को शामिल करने के लिए बात कही जाए। अगर आप कहें कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो तर्क यही दिए जा रहे थे कि आगे आने वाले ओलंपिक्स के लिए एक बड़ा कदम माने जा सकते। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है और भारतीय महिला टीम से सभी को गोल्ड की उम्मीदें हैं। भारतीय टीम से ये उम्मीदें कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इटली से भारतीय समुदाय के लोग बर्मिंघम पहुंचे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, बीते 4 साल में भारतीय एथलीट्स ने अपने गेम से दुनिया को चौंकाया है। भारत में रहने वाले लोग और दुनिया भर में फैला भारतीय समुदाय एक बार फिर कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा है।